इस वीडियो में हम लोग जानते हैं शैफ्ट के बारे में। तो चलिए सबसे पहले एक प्लेन लेते हैं, एक्स वाई प्लेन, और यहाँ से हम एग्जिट करते हैं। सेंटर लाइन लेते हैं और स्प्लाइन लाइन, याद रहे ये लाइन जो लेंगे तो इसके साथ टच होना चाहिए इस तरह से। और मैंने जो शेप का चाहिए वो शेप का इस तरह से हम बना सकते हैं, और लास्ट एंड भी इस तरह से टच होना चाहिए। उसके बाद अब हम जाएंगे एग्जिट वर्क बेंच, और यहाँ से हम शैफ्ट में जाएंगे। शैफ्ट में जाते ही देख सकते हैं ये हम जो एक्सिस लाइन लिया था इसके अकॉर्डिंग ये इस तरह से रोटेट हो जाएगा 360 डिग्री में, क्योंकि ये 360 डिग्री यहाँ पर दिया हुआ है डिफ़ॉल्ट। यहाँ से हम चेंज भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ से हम ओके करते हैं, और आप यहाँ से देख सकते हैं इस तरह से ये एक मॉडल क्रिएट हो गया है शैफ्ट के थ्रू। तो यहाँ से हम जिस तरह का लाइन लेंगे उस तरह से ये रोटेट होकर के शैफ्ट के थ्रू यूज कर सकते हैं। चलिए इसे हम डबल क्लिक करते हैं, और यहाँ से हम इसका एंगल भी कम कर सकते हैं। चलिए इसका एंगल हम 270 रखते हैं, ओके करते हैं। देखिए 270 तक ये रोटेट हुआ है सिर्फ। तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। सेकेंड एंगल से आप देख सकते हैं, सेकेंड एंगल से ये एरो इस तरफ आ जाएगा, और फर्स्ट एंगल से ये इस तरफ ज्वाइन होगा। फर्स्ट एंगल सेकेंड एंगल से आप यहाँ से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। इसे जीरो रख करके भी यहाँ पे अगर हम 360 देते हैं तो पूरा ये रोटेट हो जाएगा। ये सिलेक्शन में आप देख सकते हैं स्केच वन मीन्स ये सिलेक्ट हुआ है। और अगर हम ठीक प्रोफाइल में जाते हैं तो यहाँ से हम इसका वैल्यू थिकनेस भी यहाँ से हम दे सकते हैं, इसका वैल्यू कह रहा है इंक्रीज। इस तरह से हम इसका वैल्यूज भी इंक्रीज कर सकते हैं, थिकनेस वैल्यू, थिकनेस वन, थिकनेस टू, इस तरह से हम इसे यूज कर सकते हैं। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं ग्रूव के बारे में, ग्रूव से हम क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए हम वाई जेड या जेड एक्स प्लेन लेते हैं, फिर से स्केच में जाते हैं और स्केच करते हैं। तो यहाँ से हम स्केच एक सर्किल किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ से हम स्केच करते हैं, फिर से कुछ भी स्केच कर सकते हैं। यहाँ से सर्किल किया, देख सकते हैं यहाँ पर जो पार्ट इस बॉडी के साथ है वो यहाँ से ये ग्रूव कर देगा, मीन्स इसे काट देगा। तो यहाँ से देखते हैं इस ये ग्रूव किस तरह से काम करता है। और यहाँ से ग्रूव करते हैं, यहाँ पर एक्सिस सिलेक्शन के लिखा रहा है, यहाँ पर एक्सिस सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे किस तरह से ये इसे काट दिया, ग्रूव कर दिया। तो इस तरह से इसे यूज किया जाता है। देख रहे हैं, अगर हम यहाँ पर बैक जाते हैं और इस पार्ट को से मैंने लिया है, इसे अगर हम थोड़ा कम लेते हैं, चलिए यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं, इसके थोड़ा कम लेते हैं यहाँ पर, बस इतना ही सा लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम ओके करते हैं। अब हम चलते हैं ग्रुप में, यहाँ पर एक्सिस सिलेक्ट करते हैं, ओके। ये देखिए इस तरह से ये ग्रुप कर देगा, जिस तरह से हम मटेरियल्स लेंगे रेफरेंस मटेरियल उसके थ्रू ये ग्रुप कर देगा। जिस तरह से हम काटना चाहेंगे एंगल, इस तरह से एंगल भी ले सकते हैं, रेक्टेंगल टाइप का भी ले सकते हैं, उस तरह से इसे ये काट देगा। तो ग्रुप का यही काम है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं होल के बारे में जानते हैं, होल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए होल के बारे में हम जानते हैं। इसके लिए चलिए इसे हम फिल करते हैं, फिर से एक स्वाइप प्लेन लेते हैं, स्केच में जाते हैं, उसके बाद एक रेक्टेंगल लेते हैं। यहाँ से कोशिश करते हैं हम सेंटर रेक्टेंगल लेने की। ये आपको सेंटर रेक्टेंगल दिख रहा है, ये सेंटर रहेगा, ये रेक्टेंगल। एग्जिट
वर्कबेंच में जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे पैड करेंगे 10, चलिए 5 लेते हैं, ओके 10। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोग एक रेक्टेंगल यहाँ से क्रिएट कर दिया है। आप कोशिश करेंगे इस पर होल करने की, तो चलिए यहाँ पर होल अब दिख रहा है, यहाँ पर से होल में जाते हैं, उसके बाद इस फेस को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेंडमली एक डिफ़ॉल्ट सिस्टम से यहाँ पर सिलेक्ट हो गया है, जिसका डायमीटर 10 mm है। डायमीटर से यहाँ पर छोटा बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद डेप्थ, यानी कि इसका सो अगर आप डेप्थ देखना चाहते हैं तो यहाँ से यहाँ तक डेप्थ है वो 10 mm है, इसे भी हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ से रिवर्स है, एरो साइज यानी ऊपर जाएगा, तो ऊपर तो कोई ऐसा मटेरियल है नहीं तो होल क्रिएट नहीं होगा, ये नीचे की तरफ ही क्रिएट होगा, इसलिए ये एरो साइज नीचे है और नीचे रखना होगा। एरो साइज यहाँ से भी ऊपर कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं और यहाँ से भी रिवर्स कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं ये एक्सटेंशन खुला हुआ है, एक्सटेंशन ये डायलॉग बॉक्स में आप देख सकते हैं, एक एक्सटेंशन है, टाइप है, थ्री डिफिनेशन है। एक्सटेंशन में देखते हैं तो ब्लाइंड है, अप टू नेक्स्ट है, अप टू लास्ट, अप टू प्लेन सरफेस, ये सब का मतलब क्या होता है चलिए अब हम लोग यहाँ पर समझेंगे। ब्लाइंड का मतलब है कि यहाँ से हम इसका वैल्यूज देंगे, डायमीटर देंगे, डेप्थ देंगे, डेप्थ कहाँ तक होगा, हाँ डेप्थ देने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर हम अप टू नेक्स्ट करते हैं ये सो होल है, अप टू नेक्स्ट मीन्स यहाँ तक होल क्रिएट हो जाएगा, इसके लिए यहाँ पर आप डेप्थ हम नहीं देंगे क्योंकि ये डेप्थ पूरा यहाँ तक ले लिया अप टू नेक्स्ट। अप टू लास्ट लेते हैं तो अप टू लास्ट भी वहीं तक लेता, अगर डबल यहाँ पर सरफेस रहता तो अप टू लास्ट तो वहाँ तक लेता। अगर हम अप टू प्लेन लेते हैं तो यहाँ पर अगर कोई एक रेफरेंस प्लेन रहता तो वो प्लेन तक होल क्रिएट कर देता, अप टू सरफेस तो सरफेस तक क्रिएट करेगा। तो यहाँ पर तो अभी कोई ऐसा दूसरा मेट्रिक्स और ऐड है नहीं जो इस सबका हम लोगों को डिफरेंस समझ में आएगा, तो अप टू नेक्स्ट करते हैं तो ये लास्ट तक होल क्रिएट हो जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर होल कैसा क्रिएट होगा, आप यहाँ से इजीली यहाँ से देख सकते हैं, सिंपल ब्लाइंड आप होल क्रिएट होगा। आप चलते हैं यहाँ से, लिमिट ऑफ साइज डिफिनेशन है ये और पोजिशन स्केच, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये होल अभी यहाँ पर क्रिएट हुआ है, लेकिन ये होल मुझे यहाँ पर नहीं चाहिए, मुझे ये इस जगह पर चाहिए या इस जगह पर चाहिए, इसके लिए हम पोजिशनिंग स्केच पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सब स्टार टाइप का दिख रही है, ये होल का सेंटर हुआ, तो ये हम चाहे जहाँ पर भी हम इसे रख सकते हैं और जहाँ पर मुझे चाहिए होल वहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, या इसका हम चाहेंगे तो डायमेंशन भी दे सकते हैं, ओके यहाँ से और इस लेंथ दोनों की डिस्टेंस कितना रहेगा, अभी 2.2 है तो यहाँ पर हम 5 रखेंगे, इस जगह पर आ गया। फिर इसे हम ये आपको दिख रहा है यहाँ पर हॉरिजॉन्टल, और यहाँ पर हम क्या भी डिस्टेंस ले सकते हैं, ये डिस्टेंस भी ले सकते हैं, ये डिस्टेंस मुझे 1 चाहिए, इंटर, तो ये आपको दिख रहा है ये होल यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। और या तो हम इसे भी इस तरह से ड्रैग कर सकते हैं, तो चलिए ये ड्रैग होगा नहीं क्योंकि हम इसे डायमेंशन दे चुके हैं, चलिए यहाँ पर 5 देते हैं, इंटर, तो ये अब यहाँ पर क्रिएट होगा, इंटर, फिर वर्क बेंच करेंगे, एग्जिट वर्क बेंच, और देख सकते हैं यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। इसे हम स्मॉल भी कर सकते हैं डायमीटर। अब हम जानते हैं, चलिए इसे प्रीव्यू करके एक बार देख ही लेते हैं कि कैसा ये दिखता है, देख सकते हैं ये अप टू लास्ट किए थे, लास्ट तक ये क्रिएट हो गया है होल, जहाँ पर पोजीशन कर सकते हैं वहाँ पर ये होल पोजीशनिंग हो जाएगा। चलिए इसे हम डबल क्लिक फिर से करते हैं, फिर से ये होल का ये डायलॉग बॉक्स खुल गया है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं टाइप में, टाइप में आप क्या दिखाएगा कि यहाँ पर बहुत सारे टाइप का होल आपको देखने को मिल जाएगा, सिंपल होल है ये। अगर टेपर्ड में जाते हैं तो आप देख सकते हैं होल इस तरह का क्रिएट होगा, इस तरह का मीन्स नीचे वाला डायमीटर स्मॉल होगा और ऊपर का डायमीटर बड़ा होगा, इसे हम एंगल से डिफाइन कर सकते हैं, मीन्स ये एंगल आपको दिख सकता है, ये एंगल से हम इसे डिफाइन कर सकते हैं कितना एंगल का ये मुझे चाहिए। बॉटम ये टॉप, उसके हम डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट है काउंटर बोर्ड, काउंटर बोर्ड में हम देखेंगे कि ये डायमीटर आपको दिख रहा है यहाँ पर, बड़ा सा डायमीटर यहाँ से दिखेगा,
और एक डिप्थ दिखेगा, जो कि ये आप तो देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों का जो डिप्थ है मेनली ये 10 mm है, 10 mm नहीं है, ये डिप्थ यहाँ से लास्ट अप टू लास्ट तक है, लेकिन 2 mm डायमीटर है। लेकिन अगर हम यहाँ पर डायमीटर यहाँ पर हम ले सकते हैं वो 2 mm है, ये हम 3 mm लेते हैं, उससे जस्ट बड़ा, और डेप्थ अप टू लास्ट भी रख सकते हैं, और इसका जहाँ तक मुझे चाहिए वहाँ तक रख सकते हैं। इसे प्रीव्यू करके देखते हैं, प्रीव्यू से नज़र नहीं आएगा, ओके करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और डायमीटर बड़ा है, 3 mm डायमीटर है, लेंथ मैंने दिया था 3-5 जितना, और उसके बाद से ये सिंपल होल क्रिएट हो गया है। तो इस तरह का होल हम क्रिएट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम डबल क्लिक करते हैं, फिर से ये डायलॉग बॉक्स खुलता है होल का, और यहाँ से हम डायमीटर वगैरह चेंज कर सकते हैं, स्केच का पोजीशन यहाँ से कर सकते हैं, टाइप में चलते हैं, काउंटर बोर्ड इस तरह से आप दिखेगा, यहाँ से आप यहाँ से भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है काउंटर शंक, काउंटर शंक आपको इस तरह से दिखेगा, इस तरह से हम ये होल यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं डेप्थ एंड एंगल यहाँ से हम चेंज करके इसका वैल्यू दे सकते हैं कि डेप्थ इसका कितना होगा और डायमीटर कितना होगा। एंगल में रखना चाहते हैं तो डेप्थ और एंगल का वैल्यू दे करके हम काउंटर शंक होल यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं इस तरह का। फोर्थ अब चलते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं काउंटर ड्रिल, काउंटर ड्रिल आप देख सकते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन होता है काउंटर बोर्ड और काउंटर शंक का कॉम्बिनेशन होता है काउंटर ड्रिल। तो यहाँ पर आप देखेंगे जिसमें हम डायमीटर, डेप्थ और एंगल देकर के हम काउंटर ड्रिल जैसा बना सकते हैं, इसको देख सकते हैं। देखिए डिफ़ॉल्ट वॉल्यू मैंने वैल्यू चेंज नहीं किया, देखिए इस तरह का होल हम क्रिएट कर सकते हैं। चलिए इसे हम डबल क्लिक करते हैं, और मुझे इस तरह का नहीं चाहिए, तो यहाँ पर ब्लेंड रखेंगे, और यहाँ पर एक्सटेंशन में आते हैं, थ्रेड डिफिनीशन में आप देखेंगे तो थ्रेड के थ्रू, थ्रेड आप जानते हैं जो नट वर्ल्ड में जो थ्रेड होता है उसका, हम यहाँ पर इसका होल थ्रेड्स के थ्रू यहाँ पर हम दे सकते हैं। तो थ्रेड यहाँ पर दिखेगा नहीं, लेकिन अगर हम वायर फ्रेम में देखेंगे तो इसे हम थ्रेड में देख सकते हैं इस तरह से। तो चलिए यहाँ पर थ्रेड में जाते नहीं हैं, ये सब हम पढ़ेंगे एडवांस में, और एक्सटेंशन में हम जाते हैं। फिर से एक यहाँ पर एक और ऑप्शन है बॉटम, कि इसका से बॉटम का एंगल रहेगा तो कैसा दिखना चाहिए। यहाँ से फ्लैट है, यानी कि पूरा का पूरा डायमीटर के साथ वो फ्लैट रहेगा। वी बॉटम में जाते हैं तो यहाँ से एंगल दे सकते हैं कि कोनिकल एंगल इस तरह का बनेगा, जिसका हम एंगल दे सकते हैं कितना एंगल का मुझे बनाना है, और उस एंगल के हिसाब से ये इसका बॉटम पार्ट क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने होल के बारे में समझा, होल में क्या क्या है और इसे किस तरह से यूज करते हैं। 30 डिग्री लेते हैं, ओके करते हैं, और आप यहाँ से देख सकते हैं एंगल इसका चेंज हो गया है यहाँ पर। तो होल में इस तरह से हम यूज कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि इसे कैसे यूज करेंगे, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होल हम क्रिएट कर सकते हैं, और यहाँ से वैल्यू वगैरह एक्सचेंज पोजीशन स्केच कर सकते हैं। तो चलिए इसे हम फाइनल करते हैं, और यहाँ पर हम लोगों ने देखा शैफ्ट के बारे में, ग्रूव के बारे में, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ होल के बारे में। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम ये टूल्स के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।